नमस्कार, आज दिनांक 10 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं वरुण बाबुल और मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम कश्यप। आज के मुख्य समाचार, लायंस क्लब ने मदरसा में लगाए इन्वर्टर, बांटे कंबल। लायंस क्लब ऑफ नौगछिया टाउन की ओर से रविवार को रंगरा स्थित अमानुल उलूम मदरसा में इन्वर्टर दिया गया है। यहाँ रहने वाले अनाथ बच्चों को रात में बिजली नहीं होने पर पढ़ाई में दिक्कत होती थी। ठंड को देखते हुए बच्चों के बीच 50 कंबल वितरण किया गया। मौके पर नौगछिया एसपी निधि रानी एवं लायंस क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। उक्त जानकारी लायन सुभाष चंद्र वर्मा ने दी। रात में दो ट्रक खराब, विक्रमशिला सेतु पर फिर से लगा महाजाम, खत्म नहीं हो रहा आफत। नौगछिया भागलपुर के बीच विक्रमशिला सेतु जाम की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 दिनों से जाम की विकराल समस्या से लोग जूझ रहे हैं। शनिवार को थोड़ी राहत मिली थी, रविवार को शाम तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन रात में अचानक दो ट्रक खराब हो गया और बाकी गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। आखिरकार एक के बाद एक गाड़ियां फंसती चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी देर रात पुल पर पहुंची थी। भागलपुर के उल्टा पुल से ऑटो परिचालन पर रोक। शहर में बढ़ते ऑटो और ई रिक्शा के लोड को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई है, जिसमें भागलपुर उल्टा पुल लोहिया पुल पर ऑटो के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इधर दूसरी तरफ तिलकामांझी चौक पर ऑटो पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार प्रभारी एसएसपी सोमवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। नवगछिया NH 31 जाम, दिन भर परिचालन, वन वे 12 घंटे तक फंसे रहे वाहन। संध्या को फंसे रहे मकनपुर चौक पर कई दूल्हे समेत बारात की गाड़ियां। नवगछिया में रविवार को भी NH और सेतु पर दिन भर वनवे रहा। यात्री वाहनों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन सड़क के एक तरफ जाह्नवी चौक से लेकर नौगछिया तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई। कई ट्रक जाम में 12 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। रविवार को दिन में रह रहकर कई बार जगहों पर जाम की स्थिति देखी गई। संबंधित थानों की पुलिस की सक्रियता से स्थिति नियंत्रण की गई। वहीं नवगछिया मकनपुर चौक पर रविवार की संध्या साक्षी धर्मकाटा के पास कई दूल्हे समेत बराती की गाड़ी जाम में फंस गई। जाम में फंसे हुए दूल्हे एवं बारात जो काफी लंबी दूरी के लिए निकली थी, लेकिन संध्या तक नौगछिया ही पहुंची थी। कई बारात बेगूसराय, बरौनी, खगड़िया व मानसी, साथ ही मुंगेर की तरफ जा रही थी, जिसमें बराती गण का कहना था कि ऐसे जाम से उन्हें पहले कभी भेंट नहीं हुआ था, पता नहीं वो समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। स्वतंत्र होकर करें अपना काम, डॉक्टरों को मिलेगा पूरी सुरक्षा, IG भागलपुर। वैसे लोग जिनका दिल अचानक काम करना बंद कर दे तो परेशान नहीं हो, इस परिस्थिति में भी कम समय में बेहतर तरीके से इलाज कर मरीज की जान बचाई जा सकती है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। यह बातें रविवार को IMA की ओर से आयोजित वार्षिक मेडिकल सेमिनार के मौके पर DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर अफ्ताब ने कही। इसके पूर्व सत्र का शुभारंभ वरीय चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर IG सुशील मान सिंह खोपड़े ने कहा, आज चिकित्सक और मरीज के बीच जो दूरी बन रही है उसे पटाने की जरूरत है। पुलिस मरीज और चिकित्सक दोनों के लिए है, ऐसे में अगर पुलिस की किसी को भी जरूरत होगी तो वह उपलब्ध होगी। चिकित्सक की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में सभी सुरक्षित माहौल में अपना कार्य करें। एक्ट जो कहता है उसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। चिंता और डरने की कोई बात नहीं है। लापरवाही, पुलिस महानिदेशक ने पत्र भेज किया सचेत। IG ने भी जताई गंभीरता, ऑनलाइन शिकायतों पर एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए DGP की ओर से कई नई व्यवस्था लागू की गई है। लागू नई व्यवस्थाओं को सफल बनाने के लिए भागलपुर पुलिस की ओर से प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसी
ही शुरू की गई एक नई व्यवस्था ऑनलाइन शिकायत की है, जिसमें जनता द्वारा की जा रही शिकायतों पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। भागलपुर पुलिस की शिथिलता सामने आने पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लेते हुए पत्राचार किया है और पुलिस मुख्यालय द्वारा अग्रेसरित किए गए ऑनलाइन शिकायत का निष्पादन अति आवश्यक समझने और उच्च प्राथमिकी देने को कहा है। तीन बच्चों की मौत के बाद पिता तांत्रिक की शरण में। भागलपुर जिले के कर्जरेली खुर्द के महादलित टोले में 95 घंटे के दौरान जुड़वा बच्चों समेत 6 साल के मासूम ने अज्ञात बीमारी से तोड़ दिया दम। लगातार एक के बाद एक मौत से दहशत में है पूरा गांव। सोमवार को जांच के लिए पहुंचेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। पिछले मंगलवार से 95 घंटे के दौरान लगातार अपने तीन मासूम बच्चों की मौत के बाद सदमे और दहशत में पिता जादू दास अब तांत्रिक की शरण में है। कर्जरेली खुद के महादली टोला में मंगलवार को जुड़वा मासूम की मौत के बाद शनिवार को जादू दास का 6 वर्षीय बेटा करण अहले सुबह मृत अवस्था में मिला। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में दहशत का आलम है। गाँव वाले कुछ भी कहने को राजी नहीं। इधर खौफजदा पूरा ही परिवार अपनी जिंदा बची दो बच्चियों की सलामती के लिए इधर उधर दुआ मांग रहा है। खरीक लोकमानपुर में ग्रामीणों ने कोसी पर बनाया चचरी पुल, दूर हुई परेशानी। लोकमानपुर में ग्रामीणों ने कोसी नदी पर चचरी पुल बनाकर क्षेत्र के लोगों की परेशानी कुछ हद तक दूर कर दी है। यहां के लोग 200 फीट से अधिक दूरी नौका से तय करते थे। कोसी का जलस्तर घटने के साथ लोकमानपुर के लोगों को गांव पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी। मुखिया प्रतिनिधि विवेका यादव की पहल पर लोग चचरी पुल बनाने को तैयार हो गए। लोगों ने श्रम दान कर बांस बल्ले की सहायता से चचरी पुल बना लिया। अब चचरी पुल होकर लोग सुगंता से बिसू राउत पुल तक पहुंच रहे हैं। बिहार की बड़ी खबर, पूर्व आईजी की डॉक्टर बेटी ने 13वें तल्ले से कूद कर दे दी जान। आज डीएम से होने वाली थी शादी। घर से 7 किलोमीटर दूर कोतवाली के पास अपार्टमेंट की छत से लगाई छलांग। रिटायर्ड आईजी उमाशंकर सुधांशु की बेटी श्रीनगंधा सुधांशु 28 वर्ष ने कोतवाली थाने के पास 13 मंजिले उदय गिरी अपार्टमेंट की छत से रविवार की सुबह 7:45 बजे कूदकर जान दे दी। वह सिर के बल नीचे गिरी, जनरेटर रूम की छत पर गिरी, इससे शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई। डॉक्टर श्रीगंधा की शादी अगले दिन ही किशनगंज के डीएम महेंद्र कुमार से होने वाली थी। कंकड़बाग में एक दिन पहले तिलक भी हुआ था। शादी सोमवार को बीएमपी के पास आईसीएआर ग्राउंड में होने वाली थी। दोनों परिवार शादी के रस्म की तैयारी में जुटे थे। इधर डॉक्टर सुधांशु के फैसले ने खुशियों की तैयार हो रही महल को एक मिनट में धराशायी कर दिया। घटना के बाद दोनों परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सबको देखकर स्तब्ध रह गए। वहीं घटना के बाद डीएम कुमार रवि, एसएसपी मनुमारा समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सभी बिंदुओं की जांच हो रही है, उनके ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। वहीं अपार्टमेंट की छत से मोबाइल फोन चश्मा स्टूल बरामद कर पुलिस अपने साथ ले ली है। आत्महत्या से किशनगंज के प्रशासनिक महकमे में भी छाई मायूसी। आत्महत्या करने वाली डॉक्टर श्रीगंधा की किशनगंज जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार से सोमवार को शादी होने वाली थी। 8 दिसंबर को तिलक की रस्म अदायगी की गई थी। 10 दिसंबर को जयमाला व प्रीतिभोज था, जबकि वैवाहिक रस्म पूर्व आईजी उमाशंकर सुधांशु के स्नेही पति स्थित आवास पर संपन्न किया जाना था। 9 दिसंबर जिस सुबह डॉक्टर श्रीगंधा ने आत्महत्या की, उस दिन मटकोर व हल्दी की रस्म अदा की जानी थी, लेकिन हल्दी के बदले उसने कफन क्यों चुना, ये रहस्य बरकरार है। पुलिस लगातार जांच कर रही है।